जैसा कि हमारे पास पिछले कई हमारी वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे या फिर जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि हम उज्बेकिस्तान एमबीबीएस के बारे में बात करें कि जो इंडियन स्टूडेंट्स करना चाहते हैं एमबीबीएस वो उज्बेकिस्तान ही क्यों जाएं, वैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उज्बेकिस्तान के लिए हमने सोचा किसी एक्सपर्ट को हम साथ में लेकर आएं। तो रविंदर जी हमारे साथ हैं जो कि आपको डिटेल में बताएंगे, अभी खुद वो उज्बेकिस्तान में ही हैं और कुछ कॉलेजेस में डील करते हैं वहाँ पर और एक्सक्लूसिवली भी काम करते हैं। तो रविंदर जी बताएंगे आपको कि उज्बेकिस्तान ही क्यों। रविंदर जी बताइए कि क्यों सिर्फ उज्बेकिस्तान ही इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में एमबीबीएस करने के लिए। सर जी सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार जी, आपने एक मौका दिया दोबारा। जी सर जी, तो पहले भी हमने कुछ वीडियोस किए शूट, तीन चार साल पहले एक वीडियो बनाई थी उसका, जी जी जी, इंडिया में कोई लोग जानते भी नहीं थे। जी जी, आपका यही सवाल था कि उज्बेकिस्तान ही क्यों, इसलिए था कि क्यों इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल, आज आप इसलिए पूछ रहे हैं कि उज्बेकिस्तान बच्चे क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत डिमांड है इंडिया में, पॉपुलर हो गया, तो मैं बस इसी से स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारे पास अभी जो उज्बेकिस्तान में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके लिए कई रीजंस हैं। पहले सबसे पहले हम ये लेकर चलते हैं कि उज्बेकिस्तान में आज की डेट में जो स्टूडेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा हो। जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये रहती है कि बच्चा जो है उसको हॉस्पिटल का एक्सपोजर मिले। जी, तो अब हमने जो पहले हम लोग काम कर रहे थे जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे थे वहां पर मैक्सिमम केसेस हम ये देखते थे कि फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स थे इन बच्चों को बीपी चेक करना भी नहीं आ रहा था, इंजेक्शन लगाना भी नहीं आ रहा था, और हमें खुद लगता था कि हमने जो है ये बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो किस तरह से अच्छी एजुकेशन बिल्कुल। लेकिन उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अपने अपने खुद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर अच्छा मरीजों का जो है फुटफॉल रहता है, काफी संख्या में मरीज आते हैं, तो बच्चे यहाँ पर इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बड़ा अच्छा मिलता है। मतलब फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट जो है उनको हॉस्पिटल में जाने का मौका मिलता है, ओपीडी देखने का मौका मिलता है, जो जो सब्जेक्ट उनको क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट लेकर के बच्चे हॉस्पिटल्स में अपना एक्सपीरियंस करते हैं। और फोर्थ फिफ्थ ईयर के बच्चों को मौका मिलता है इवन सर्जरी में जाने का, डॉक्टर को असिस्ट करने का, वहां पे खड़े होकर सर्जरी करने के नहीं देते हैं लेकिन उनको वहां पे सर्जरी विटनेस करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे चीजें नहीं मिलती। तो सबसे पहले जो हमारे को यहाँ बेनिफिट सबसे एडवांटेज जिस चीज जो लगी वो ये थी कि यहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो उज्बेकिस्तान की तो सबसे अच्छी चीज थी। उसके बाद दूसरा हम ये देखते हैं कि एक इंडिया से बहुत नजदीक डेस्टिनेशन है, अगर बच्चों को जाना हो तो दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है ताशकंद, तो ताशकंद आता है, ताशकंद के आने जाने के बाद यहाँ पर जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है वो बड़े अच्छे रोड से कनेक्टेड है, और 2.5 घंटे में अगर बच्चा पहुंचे तो हमारे पास बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमारे जो इंडियन जो दिल्ली के जो एनसीआर के जो लोग हैं जैसे ग्रेटर नोएडा से किसी बच्चे ने जाना है या मेरठ गाजियाबाद किसी बच्चे ने जाना है वो पेरेंट बच्चे को फ्लाइट में बिठा के घर भी नहीं पहुंचे होते और बच्चा ताशकंद जाके फोन करता है। जी 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 जी, काफी डिस्टेंस, कुछ जगहों का डिस्टेंस काफी दूर है अपने दिल्ली से। जी हाँ, बहुत बहुत दूर पड़ जाता है। उसके बाद में मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बड़ी कंपेरेबल टू इंडियन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पर ठीक है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं तो इंडियंस को बड़ा वेलकम करते हैं। जनरली रविंदर जी आपसे चाहूंगा पूछना मैं कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मेजरली किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेजरली जो है यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करती है, लेकिन ये कंट्री सेकुलर है और यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सिज्म नहीं है, जिसको हम रूढ़ीवाद बोलते हैं जी, जी, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर जो बुरका है, दाढ़ी है, इसके लिए भी जैसे भी बच्चे यहाँ पर हमारे यहाँ पर आते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आपको अगर अपने रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करने हैं तो वो अपने हॉस्टल के रूम में करेंगे, अपने पर्सनल, ये आपका ये पर्सनल मैटर है, यहाँ पर आप एजुकेशन के लिए एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और इवन यहाँ पर जो हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी बिल्कुल सेक्युलर तरीके से बिहेव करती है, वो रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया था स्टूडेंट का जिसने ये बोला कि बाकी और भी बहुत सारी कंट्रीज के जो विंडोज थे वो ओपन हो गए थे एमबीबीएस करने के लिए बट सबसे लेट शुरू हुआ उज्बेकिस्तान, ऐसा क्यों? मतलब इन टर्म्स के उज्बेकिस्तान ने इंडिया से बच्चे लेने बहुत बाद में शुरू किए। जी 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 एग्जैक्टली हाँ जी हाँ, इसका एक्चुअली क्या, जब ये उज्बेकिस्तान पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था जी, और उस टाइम पे उसको हम रशिया बुला करते थे, यूएसएसआर बोलते थे, तो इंडिया से बहुत सारे जो इंडिया का और रशिया के उस टाइम बड़े अच्छे रिलेशंस थे जी, बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया से गवर्नमेंट की तरफ से आते थे यहाँ पर ताशकंद मेडिकल अकेडमी में पढ़ने के लिए, यहाँ पर रशियन मीडियम में पढ़ते थे, वहाँ पर एजुकेशन लेते थे, उसके बाद में जो है इंडिया में आके वो लोग अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैं काफी लोगों से मिला हूँ। लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर
उसके बाद ये कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसके बाद एक इस प्रोसेस को स्टॉप लग गया और 92 के बाद से यहाँ पर इंडिया से स्टूडेंट आने बंद हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने कंटिन्यू ये रखा कि ये अपने लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे या रशिया या आसपास की जो कंट्रीज हैं रशियन मीडियम में उनको पढ़ाते थे। लेकिन फिर 2018 में हमारे उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी का विजिट हुआ, बहुत तरह के इनके एमओयू साइन हुए, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू जो था हमारे पर्पज के लिए वो मेडिकल एजुकेशन एंड जॉइंट रिसर्च का था। तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो है वो कार्यवाही शुरू हुई और धीरे धीरे इनकी यूनिवर्सिटीज ने इंडियंस को इन्वाइट करना शुरू किया। तो 2019 से इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। ओके, मतलब 19 में पहला बैच स्टार्ट हुआ वहाँ पर। हाँ, 2019 से जो है यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट आने शुरू हुए थे और इस टाइम तो आज ही देखिए करीबन मेरे ख्याल से 6,000 या 7,000 बच्चे इंडिया से यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं जो है एमबीबीएस के एजुकेशन अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अभी कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान में कितने मेडिकल कॉलेजेस होंगे जहाँ पर स्टूडेंट जाके एडमिशन ले सकते हैं? सर, अगर हम वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट पर जाएं तो धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि एडमिशन होता चला जा रहा है। ओके, तो रीजन ये है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी अपना एक्रेडिटेशन करवा रहे हैं। जी जी। तो आज मेरे ख्याल से 15 यूनिवर्सिटीज होगी जो की इंडियन स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रही है। लेकिन मेजरली जो यहाँ की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वो 5 या 6 बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। कोई यूनिवर्सिटीज का नाम बताएं कुछ? हाँ, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है जो कि यहाँ पे इंडियन बच्चे आके प्रेफर करते हैं पढ़ना। बाकी अगर आप कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं जहाँ पे उनके पुराने साथी पढ़ रहे हैं वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 4-5 मेजर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बच्चे प्रेफर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम जो आप बताना चाहें? देखिए, मेजरली यहाँ पर ताशकंद मेडिकल अकेडमी है जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एशिया की, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1919 में स्टार्ट हुई थी, इसको 100 साल से ज्यादा हो गए डॉक्टर बनाते हुए। जी जी। और इसके बाद समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो 1930 में स्टार्ट हुई थी, इसको भी 90-95 साल हो गए डॉक्टर बनाते हुए, भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज अपने आप में अगर हम ये देखें तो इंडिया के बड़े से बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके पास जो है 2,275 बेड के हॉस्पिटल जी, और हमारी ताशकंद मेडिकल अकेडमी है यहाँ पर 3,000 से ज्यादा बेड के हॉस्पिटल है। इसके बाद बुखारा की यूनिवर्सिटी है, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है और आंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये सारी जो ये 4-5 ये मेजर यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट की बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंडियन बच्चे आके एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद फिर ताशकंद मेडिकल अकेडमी की ब्रांचेज है जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं। और जनरली देखा जाए तो वैसे ही हर साल मतलब कितनी टोटल सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे हैं हर साल? ऑन एन एवरेज हर यूनिवर्सिटी में आप लेकर चले कि जो 500 स्टूडेंट्स का इंटेक हमने अब तक किया जो उसको एक रीजनेबली फेयर इंटेक कहते हैं। और अगर हम ये देखें कि 6 या 7 एक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं तो आप लगा लीजिए कि 2,500 से 3,000 बच्चे जो हर साल मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया से यहाँ पर आना आएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वहाँ पर किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उसका इजी प्रोसेस क्या है मतलब एडमिशन अपने आप को एनरोल कराने के लिए? देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एडमिशन कर रही है। जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है, मुझे क्लेरिफाई भी करना था। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो उन्होंने क्या किया है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट किए हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये कि दे आर बिकमिंग ए ब्रिज, एक ब्रिज है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में। वो यूनिवर्सिटी के बारे में इंडिया में अपनी मार्केटिंग करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, उसको पॉपुलराइज करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं और उसके वजह से बच्चे अपना डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये देखना है कि वो पहले यूनिवर्सिटी जो भी वो चूज कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में कौन है कॉन्ट्रैक्टर जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहा है। जी। अब बहुत से केस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडिया में मौजूद नहीं होता है, वो यहाँ उज्बेकिस्तान में है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर ज्यादा है। तो इंडिया में उसके एसोसिएट्स होते हैं, उसके पार्टनर होते हैं, उसकी ब्रांचेज होती है। तो अपने वो पहले यूनिवर्सिटी में चेक करें कौन वहां पर उसका जो है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो वेबसाइट पर मेंशन होती है चीजें? हाँ, वेबसाइट पर मोस्टली मेंशन होता है, नहीं तो आप डीन ऑफिस या ट्रस्ट ऑफिस में मेल करके पता कर सकते हैं कि भाई आपके जो है ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से हैं, वो उनको डिटेल दे देंगे। उसके बाद वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में है तो ठीक, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके, क्योंकि देखिए इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हम दिल्ली से हैं तो हम भी हर जगह पर नहीं जा सकते, तो हमारे हर जगह पर एसोसिएट्स होते हैं। तो उनके जो भी ऑथराइज एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ जुड़ के अपना अच्छा एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि बच्चे फिर भी जो है वो गलत हाथों में पढ़ के नुकसान करा लेते हैं। बच्चों को मैं यही हिदायत दूंगा कि वो जो मैंने अभी बताया उस रूट को फॉलो करेंगे तो उनका प्रॉपर एडमिशन, मतलब उन्हें देखना है कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसके पास अगर एडमिशन पहुंच रहा है। अच्छा, इसमें उसे कैंडिडेट को तो पता नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कोई और तरीका या फिर कोई मिनिमम फीस दे के कैंडिडेट पहले अपना कोई एडमिशन लेटर ले ले, कुछ ऐसी कोई एक प्रूफ ले ले, उसको वेरीफाई करवा ले, क्योंकि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना। देखिए, अभी सबसे पहले जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं सभी यूनिवर्सिटीज ने अपने वेबसाइट पे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हाल ही की बात है, आप जनवरी में
एम्बेसी ऑफ इंडिया ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जो कि उसकी वेबसाइट पर है, वहां पर भी उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज के ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम डाले जी। अगर आप तो ये एक बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो जी, जी, वहां जी, चला जाए उसको, अगर जो है किसी भी यूनिवर्सिटी जाए, बुखारा है, समरकंद है, ताशकंद है, किसी भी यूनिवर्सिटी में उसको जाना है तो उसको क्लिक करें, वहां पे जाने के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? एडमिशन का सबसे पहले बच्चा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी उनके कंसल्टेंट है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो बच्चे को एडमिशन लेटर मिलता है। बस इसमें एक ताशकंद मेडिकल एकेडमी है जो पहले इंटरव्यू लेती है, उसके बाद एडमिशन लेटर देती है, ठीक है। बच्चे को जब एडमिशन लेटर मिल जाता है तो एडमिशन लेटर मिलने के बाद बच्चा अपना कुछ एक एडवांस पेमेंट करता है, चाहे वो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर हो करे, चाहे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करे, उसके बाद उसकी वीजा प्रोसेस चालू हो जाती है, वीजा का एक टेलेक्स आता है, वो टेलेक्स के बाद में उसका वीजा लगता है, और उसके बाद वो बच्चा अपना टिकट लेके अपनी अपनी अप्लाई करने से पहले अपनी या तो पूरी पेमेंट यूनिवर्सिटी को ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर हो करता है, या फिर यहाँ आने के बाद में जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहा है वहाँ पर जाकर अपने ऑथराइज यूनिवर्सिटी को। वैसे बेटर ये रहेगा कि वहाँ पर आके स्टूडेंट पेमेंट करे कॉलेज को, ज्यादा उसके लिए सेफ्टी पॉइंट रहेगा। और वैसे तो जैसा आपने बताया कि जी, और अपनी रिसीट ले जो पेमेंट वो कर रहा है वहां पर, क्योंकि देखिए सारी पेमेंट जो है, मैं आपको बताता हूँ, सारी पेमेंट जो है वो कॉलेज को भी बिलोंग नहीं करती। अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट के पास फॉर एग्जांपल $5,000 का पैकेज है, तो उसमें 3,350 की फीस है, उसमें $500-600 का हॉस्टल होता है, फिर खाने का भी खर्चा होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो उसको कॉन्ट्रैक्टर को जाकर कैश देने जी। तो जो वो चाहे तो जो, क्योंकि जो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर जितने भी यहाँ पर है उनको मोस्टली एक ऑथराइजेशन मिला है, तो फीस कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं, ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दें, उनसे बात करें सर मेरे को यूनिवर्सिटी में देना है, वो यूनिवर्सिटी में जमा कर दें, बैलेंस जो भी पैसा उसका रजिस्ट्रेशन का, हॉस्टल का, मेस का, या कॉन्ट्रैक्टर फीस भी एक चार्ज करते हैं वो, तो वो जो कुछ है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कैश देते हैं। ताशकंद में जैसे मैंने सुना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग कंट्री, जैसे मैं किर्गिस्तान की बात करूं, किर्गिस्तान बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, पहले यूक्रेन था, यूक्रेन का एक अलग कुछ रीजंस हो गए कि अब एडमिशन वहाँ नहीं हो रहे हैं, किर्गिस्तान से कहाँ अलग करता है अपने आप को उज़्बेकिस्तान? किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में सर देखिए जो मैंने देखा है, किर्गिस्तान में मुझे एक या दो ही यूनिवर्सिटी जैसी लगी है जो हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं साफ साफ बताता हूँ, किर्गिस्तान मेडिकल एकेडमी को हमने ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली, जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों बच्चे जहाँ पर एक बार एजुकेशन जाता है तो हमें कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, वो एक अच्छे सिस्टम से उनको पढ़ाते हैं, तो वो भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1935 में स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, तो ऐसी और बच्चों का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन किर्गिस्तान और यहाँ में जो मैंने देखा, बाकी जहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे या दूसरे स्टूडेंट से मैंने बात करी, बहुत सारे बच्चे किर्गिस्तान से ट्रांसफर लेकर के भी हमारे पास आए हुए हैं, उनका मेन जो शिकायत है वो यही है कि हमको जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर हॉस्पिटल का नहीं मिलता। अच्छा, तो एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर का इश्यू हमारे बहुत बहुत जबरदस्त है कि हमें बच्चे जो है हॉस्पिटल में जाके वो नहीं ले पाते हैं। दूसरा ये जो मैं एक पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कंसल्टेंट, कि क्योंकि किर्गिस्तान को इंडिया से बच्चे जाते हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, जी काफी लंबा टाइम हो चुका है, हाँ थोड़ा सिस्टम के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे जो एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो उन एग्जाम्स को पास करने के उनके पास में कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो सारी चीजें बताने वाली नहीं है, लेकिन वो सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है मेडिकल एजुकेशन के लिए। उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चा एक बार फेल होता है तो एक चांस मिलता है, दूसरी बार अगर वो नहीं कर पाता, जिन यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे हैं उनका मैं बता रहा हूँ, दूसरी बार अगर बच्चा वहां पर फेल होता है तो उसको फिर उस सेमेस्टर बैक करता है, जैसे हमारे इंडिया में हम अपने एग्जाम दिया, आप उसमें अगर रह गए तो उसका कंपार्टमेंट आ गई, आपने उसको दे दिया दोबारा, आप पास बिल्कुल प्रमोट हो गए, अगर नहीं प्रमोट हुए मतलब एजुकेशन के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है उज़्बेकिस्तान, अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। हाँ, यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं हम लोगों को कि भाई एजुकेशनल एक्टिविटीज में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, बच्चे को क्या पढ़ाना है वो हम जानते हैं, हम पढ़ाएंगे, आप उनका हॉस्टल देखिए, मेस देखिए, एडमिशन देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए, वीजा देखिए, रजिस्ट्रेशन देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी देखिए, बच्चे की बाकी सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, हमें पता है आप, हाँ ठीक है ये जरूर है कि RMC नॉर्म्स फॉलो करने हैं, हमें बताइए इंडिया में रूल चेंज हुआ है तो बताइए, दूसरे कंट्रीज भी है जैसे यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के बच्चे भी आते हैं तो वहाँ पे भी रूल चेंज होते हैं, तो भी हम जाके बताते हैं कि सर ये रूल चेंज हुआ तो क्या कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, उतने तक तो ठीक है, लेकिन अब आप ये बोले कि सर उसके एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस में ये लोग बिल्कुल जी। तो अभी हमने जो बात की रविंदर जी से, हमने बात की क्यों उज़्बेकिस्तान में आपको एडमिशन लेना चाहिए, हालांकि हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे फीस के बारे में कि क्या फीस है, किस किस कॉलेज में कितनी फीस है, कितनी फीस आप पे करेंगे, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, और भी हम बात करेंगे आगे आगे रविंदर जी से अपने इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अगर सारी बातें हम एक वीडियो में लेकर आते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचती है। तो रविंदर जी और कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहें इसमें उज़्बेकिस्तान के बारे में आप? जी, मैं सबसे पहले तो बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि जो एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ का, जो मेरी बात उसने पूरी नहीं हो पाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि अपने बोलो उज़्बेकिस्तान में क्यों आना चाहिए, वो ये जी, जी, कि उज़्बेकिस्तान नेशनल मेडिकल कमीशन का जो नई गाइडलाइन चाहिए 2021 में,
100% फुलफिल करता है, चाहे वो उसकी ड्यूरेशन हो, चाहे वो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, चाहे फिर उसका एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस इन उज़्बेकिस्तान, जिसको हम लाइसेंसेड रेगुलेशंस बोलते हैं, उन सब में पूरी तरह फुलफिल करता है। तो लीगली और प्रैक्टिकली और इवन इकोनॉमिकली अगर आप प्राइस के हिसाब से देखें तो हर तरीके से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन सूट करती है। मैं चाहूँगा कि बच्चे इसको डेफिनेटली कंसीडर करें उज़्बेकिस्तान को और एक बार यहाँ पर अपनी मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहिए उज़्बेकिस्तान को 100%। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपके साथ ये वीडियो हमने बनाई और आगे भी वो डिटेल्स हम स्टूडेंट साझा करेंगे, शेयर करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड होगा तो जरूर वो उज़्बेकिस्तान जाए और जाके एडमिशन ले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।